तेज शॉर्ट कवरिंग रैली आया है, और ये शॉर्ट कवरिंग रैली क्यों आया है इसको पूरा आप समझिए। देखिए रिलायंस ने पूरा लीड किया है, और रिलायंस का अगर आप आवरली चार्ट देखेंगे बहुत ही तेज मूवमेंट आया है रिलायंस के आवरली चार्ट में। देख रहे हैं कि इंट्राडे में रिलायंस 7% ऊपर है, और आपका इसका आवरली चार्ट को देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट है। इस टाइप का मूवमेंट आपको बहुत ही कम रेयर सिनेरियो में देखने के लिए मिलेगा, और रिलायंस ऑलरेडी हमारा बाइंग के सिनेरियो में है। हमारा बाइंग जो भी डिस्कशन है कि रिलायंस और भी ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, कैसे जाएगा, पूरा लॉजिक मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को जरूर आप चेक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में इस टाइप का खास मूवमेंट नहीं आया है जिस टाइप का निफ्टी में आया है। बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट में आप क्या देख रहे हैं कि पूरा देखिए मार्केट यहीं पे है, ज्यादा कुछ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका निफ्टी में क्या हुआ है कि बहुत ही तेज शॉर्ट कवरिंग रैली आ गया है, और जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकला मैंने आपके साथ बताया था कि ये सेलिंग का जो मोमेंटम स्टॉप लॉस है यहीं पे ट्रिगर हो जाएगा, और जो सेलिंग का फाइनल स्टॉप लॉस है देखिए हमने लाइन ड्रॉ करके ऑलरेडी रखा है, तो यहाँ तक का हमारा सेलिंग का स्टॉप लॉस है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है वापस हमें बाइंग का ट्रेड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि ये जो सेलिंग वाला व्यू है ये पूरा हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। तो जब तक ये वाला लेवल को होल्ड करता है तो अभी भी सेलिंग किया जा सकता है। देखिए मार्केट इतना ऊपर आ गया, लेकिन क्या होता है ना कि आपका अगर व्यू अगर सेलिंग का है तो इसमें अगर आप बाय नहीं करेंगे तब भी चलेगा। आपके व्यू के अकॉर्डिंग अगर मार्केट चलता है तभी आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मार्केट आपको एक उल्टा शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग रैली देता है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई व्यू है कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए, इस टाइप का अगर नीचे की तरफ जाता है तो इसमें ट्रेड नहीं बनता। एक्चुअल में हमारा क्या था कि यहाँ से नीचे की तरफ जाना चाहिए था, इसलिए हमारा ट्रेड था। अब हमारा क्या था यहाँ पे लॉजिक कि यहाँ पे देखिए इस टाइप से अगर ये यहाँ पे देखिए नीचे का एक्टिवेशन होता है तो एक अच्छा टारगेट मिलेगा, लेकिन नीचे एक्टिवेट नहीं होकर ऊपर का एक्टिवेट हुआ तो इसमें इंट्राडे में छोटा मोटा ट्रेड किया जा सकता है। अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी देखिए ये फाइनल रेजिस्टेंस के जोन में पहुंच चुका है, पूरा जोन जो है एक पूरा सप्लाई जोन है। तो अगर इस लेवल के ऊपर कंटिन्यू करता है तब इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। ये जो है ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली प्लस में आप देख रहे हैं कि रिलायंस में किसी न्यूज या किसी कारण से देखिए बहुत ही तेजी आ गया, तो इसके चलते मार्केट थोड़ा सा खिंच गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार देखिए ये सब चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसीलिए बताया था कि देखिए मार्केट में क्या है कि हमारा जो सेलिंग का जो है नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है, लेकिन इसके लिए अगर ये लेवल के ऊपर जाता है तो मोमेंटम खत्म हो जाएगा सेलिंग के लिए, फिर से कोई एक प्राइस पैटर्न बनाएगा तब उसके बारे में हम विचार करेंगे। या फिर यहाँ पे देखिए इस लेवल के ऊपर यहाँ पे जब ट्रेड करने लगेगा तब हमारा बाइंग का व्यू बनेगा। अब देखिए क्या होता है कि बाइंग का व्यू यहाँ पे देखिए डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना तो यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों साइड का ट्रेड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए इस चीज को आप समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ से अगर आप सेलिंग में आ गए हैं तो सेलिंग का जो स्टॉप लॉस होता है एक्चुअल स्टॉप लॉस जब तक ट्रिगर नहीं होगा तो आप पोजिशन में फंस जाएंगे। इसीलिए आप इस चीज को समझिए कि देखिए मार्केट में अभी यहाँ पे देखिए इस टाइप से ये स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर अगर इस टाइप से इस टाइप का बुलिश स्ट्रक्चर बना देगा तो हम वापस बाइंग में आ जाएंगे। लेकिन जब तक ये स्ट्रक्चर अभी फुलफिल नहीं होता है तो अभी क्योंकि मार्केट का यहाँ पर ट्रेंड जो है थोड़ा सा आपका डाउन ट्रेंड ही है, और ट्रेंड के अगेंस्ट में जो मूवमेंट आता है तेज मूवमेंट आता है ऑलरेडी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है। तो वही हुआ है कि जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकला शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से हुई, और इसके कारण मार्केट यहाँ पर देखिए ऊपर आ गया है और कोई भी डिप नहीं दिया है, तो किसी भी मौके को दे नहीं रहा है। तो ये देखिए कई बार ये होता है कि आपका यहां से अगर बियर को ट्रैप कर लिया, सेलिंग को ट्रैप कर लिया, तो एक कंटिन्यू मार्केट इस टाइप से ऊपर भी निकल जाता है। तो अगर ऐसा सिनेरियो बनते हुए दिखाई देगा तो जरूर इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी इस मूव से कहना मुश्किल है कि यहाँ पे मार्केट में क्या हो सकता है। एक्चुअल में हमारा अभी तक क्या यहाँ पे सेलिंग का ही व्यू है, तो सेलिंग में ही रहेगा, एक रेजिस्टेंस पे ही है। तो इस टाइप का मूवमेंट होता है मार्केट में, इसलिए मैं आपके साथ क्या शेयर करता हूँ कि निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 400-500 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रख के ही ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा जो प्रॉफिट है वो क्लियर कट प्रॉफिट होगा। अदरवाइज क्या होगा कि देखिए इसका इंट्राडे चार्ट को समझिए। इंट्राडे में मैंने आपके साथ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम जो फॉलो करने के लिए बोला है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग देखिए अगर आपने यहाँ पे पकड़ लिया, कहीं पे भी कोई भी जोन पे पकड़ लिया, तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे आपका कोई भी एग्जिट प्लान नहीं बनता है। लेकिन अगर आपने कोई भी ट्रेड नहीं लिया बाइंग का तब भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाइंग का क्लियर कट व्यू नहीं है। और हम ऑप्शंस की ट्रेडिंग कब करते हैं जब क्लियर कट बाइंग या सेलिंग का व्यू हो, तो अभी हम ऑप्शंस की ट्रेडिंग ज्यादा नहीं कर रहे हैं। जो भी ट्रेड का प्रॉफिट या लॉस होगा जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब देखिए मार्केट का अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो अभी भी मार्केट यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म जो है वो तो बुलिश है ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो मैंने आपके साथ बेरिश व्यू शेयर किया था वो अभी बरकरार है। मार्केट भले ही थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो इसमें क्या करना होता है कि मार्केट अगर यहाँ से अगर इस टाइप से रिवर्स करता है और इस टाइप से अगर आता है तो अच्छी बात है। अगर यहाँ से एक बार रिवर्स करके यहाँ तक आता है और यहाँ से अगर वापस रिटर्न होकर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर निकलने लगता है तब यह मार्केट हमारा बाइंग में आ जाएगा क्लियर कट। ठीक है,
यही चीज आपको डेली चार्ट में समझने की जरूरत है। आप एक बार डेली चार्ट को भी समझ लीजिए। देखिए डेली चार्ट में क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेली चार्ट में निफ्टी में क्या हुआ है कि यहाँ पे 20 EMA जो है इसके नीचे मार्केट बार बार नहीं सस्टेन कर रहा है। तो अगर ये कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ यहाँ से अगर निकलता है तो फिर हमारा एक फ्रेश व्यू बनेगा और फ्रेश हमारा ये जो है ये सब बियर ट्रैप हो जाएगा, जो सेलर्स थे वो ट्रैप हो जाएंगे, उसके बाद एक तेज मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा। तो हम क्लियर कट ये देखेंगे कि ये लेवल जो है हमारा क्लियर कट हमारा रहेगा। इसके ऊपर जब ट्रेड करने लगता है, कोई पैटर्न वगैरह बनाता है, तो हम इसमें ट्रेडिंग के बाइंग के ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे देखिए अभी तक यहाँ पे ये रेंज में ही है और काफी दिनों से इस रेंज में है, तो इस रेंज को अभी निकालने दीजिए। जिधर भी जाएगा उसके बेसिस पे हम ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी का, देखिए बैंक निफ्टी में क्या है कि देखिए क्या मूवमेंट आ रहा है बैंक निफ्टी में। इतना देखिए यहां से हमारा क्या था, ये वाला जो पूरा जोन है डेली चार्ट में देखेंगे, यहीं पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये देखिए ये सेलिंग मार्केट के लिए तैयार है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेलिंग आया, टारगेट जो हमारे थे सारे टारगेट हो गए, उसके बाद नीचे भी आ गया। लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ कि बाउंस जो आ रहा है उतना अच्छा बाउंस नहीं आ रहा है और एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी तो क्लियर कट अभी भी बेरिश जोन में ही है। हाँ निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आया और रिलायंस के चक्कर में आया है, मैंने आपको बताया। तो इसके चलते देखिए रिलायंस का डेली चार्ट को देखिए कितना जबरदस्त कैंडल बना है। और देखिए रिलायंस में मैंने आपके साथ एक चीज को समझिएगा, यहाँ पे देखिए रिलायंस की हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ पे थी। अब देखिए कई सारे लोग इस पे डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे एक बार आपने एंट्री बता दिया फिर नहीं बताते हैं। देखिए एंट्री का जो एक एक्चुअल लेवल होता है ना, वहां से आपका रिस्क टू रिवार्ड सही बनता है। तो वहां से अगर आपने एंट्री कर लिया तो आपको इसमें ट्रेलिंग का फॉर्मूला को यूज करना होता है। और जो भी ट्रेलिंग का फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, सारा फॉर्मूला देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। हाँ इस लेवल के बाद हमारा थोड़ा सा ये था कि इस लेवल के बाद हम थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ, प्राइस यहाँ से जब ब्रेकआउट दे रहा था तभी मैंने आपको बताया कि अब हमारा फ्रेश भी ऊपर की तरफ ही है। देखिए ऊपर गया, फिर से नीचे आया और फिर से देखिए एवरेज को सपोर्ट लिया। और एवरेज को सपोर्ट लेने के बाद देखिए क्या जबरदस्त कैंडल बना है। तो देखिए स्टॉक मार्केट में यही चीज होता है कि आपको क्या है कि थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, आपको रूल्स को समझने पड़ेंगे। जैसे यहां से आपने पकड़ लिया 2300 पे पकड़ा रिलायंस को, अभी 2900 का रेट आपको मिल चुका है और कहीं पे भी कोई एग्जिट का कोई भी सिग्नल नहीं है। तो ऐसा चीज होता है आपको मार्केट में देखने के लिए, कई बार मिलता है। तो अगर इस टाइप की चीजों को आप अगर फॉलो करते हैं तो जबरदस्त प्रॉफिट बनता है। डिस्क्लेमर ये है कि एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए।